नमस्कार, विद्युत समाचार में आपका स्वागत है। पारसमल लोढ़ा के लॉकर से निकले हीरे जवाहरात, गिरफ्तार किए गए कारोबारी। पारसमल लोढ़ा के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में कथित तौर पर लोढ़ा के एक बैंक लॉकर से हीरे, रूबी और जेवर जब्त किए हैं। अलीपुर रोड पर एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा के लॉकर को बुधवार को ईडी के अधिकारियों के दल ने खोला। एजेंसी अब जब्त किए गए माल का सही मूल्य पता लगाने का प्रयास कर रही है। कोलकाता में ही दूसरी बैंक शाखाओं में लोढ़ा के दो और बैंक लॉकरों को खोला जाना है। एजेंसी ने 27 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की राजधानी लोढ़ा के दो ठिकानों पर तलाशी शुरू की थी, जिसके बाद बैंक लॉकरों की तलाशी शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया कि लॉकर में कुछ हीरे, रूबी और दूसरे अन्य जेवर बड़ी मात्रा में मिले हैं, जिनकी कीमत का पता लगाया जा रहा है। मंगलवार को तलाशी के दौरान एजेंसी ने कथित स्विस बैंक खाते से संबंधित कुछ दस्तावेज भी जब्त किए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने पुराने नोटों को बंद करने के सरकार के ऐलान के बाद उन्हें गलत तरह से सफेद धन में बदलने के दो मामलों में कथित रूप से शामिल होने के सिलसिले में लोढ़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया था और कारोबारी से पूछताछ की जा रही है। कोलकाता में तलाशी के दौरान एजेंसी ने लोढ़ा के ठिकानों से कुछ कंप्यूटर उपकरण और अन्य हार्डवेयर जब्त किए थे। कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जो किसी महिला के नाम पर एक स्विस बैंक खाते के लगते हैं। महिला लोढ़ा से जुड़ी हो सकती है। लोढ़ा को रोहित टंडन और चेन्नई के जे शेखर रेड्डी की कंपनी से बड़ी संख्या में नई मुद्रा जब्त होने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी के मुताबिक लोढ़ा ने कबूल किया है कि नोटबंदी के बाद उसने और उसके सहयोगियों ने कम से कम 25 करोड़ रुपए के बंद हो चुके नोटों को नए नोटों में बदला था। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। रोहित टंडन को ईडी ने किया गिरफ्तार, 70 करोड़ का काला धन किया था सफेद। जयललिता की मौत पर हाईकोर्ट जज ने कहा, सामने आना चाहिए मौत का सच। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा पर सत्ता हस्तांतरण में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर दे सकते हैं राष्ट्र के नाम संदेश। फिलीपीन में बॉक्सिंग मैच के दौरान बम विस्फोट, 30 लोग घायल। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।